दावत कर दी घर में, दामाद को नहीं बुलाया। एक दामाद की तब मेंटेलिटी है, उसको पता चला कि ससुर ने घर पे दावत की हुई है, वो चला गया ऐसे ही। तो मुझे पता चला आपने दावत की है, मैं आ गया हूँ। अब दूसरे को पता चला तो वो कहता है कि देखो एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया। वजाहत लेने नहीं जाता अपने ससुर से, बल्कि जुल्म करता है या ज्यादती करता है या ऐसा लड़ता है। दोनों दामाद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? हाँ, ये है कि जिसको जैसे कि एक दामाद गया घर पे, तो उसको उसने जन रखना चाहिए कि वो गया तो ठीक है, मतलब यानी कि कोई बात नहीं, कोई मतलब यानी कि वही खुद चला गया होगा या कोई दिल मतलब बड़ा करके उसने जन की सूरत निकाले, इसका पंगा ना डाले। मगर ये है बहुत मुश्किल कि दामाद बगैर दावत के ससुराल में खाने पे चला जाए, फी जमाना, तो बहुत मुश्किल है। बल्कि वो फोन पर मेरे को खाली दावत दे दिले, घर पर बोलने नहीं आए, वो बच्चे को भेज दिया और दावत भिजवा दी, खुद बोलने नहीं आए, मैं नहीं जाता। अगर खुद जाने का मन है तो फिर माँ पसरा देती है बाद होगा, कोई तरीके से दावत दी, ये कोई तरीका है कि फोन पे दावत दे दी दामाद को, दामाद का तो मन होता। अभी इसका ये कजिए कौन चुकाएगा यार? फिर बोलते हैं कि हमारे अंदर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मोहब्बतें नहीं है, मोहब्बतें खत्म हो गई। तो बेवकूफ़ के सरदारों, तुमको मोहब्बत करना कहती है कि तुम्हारे घर में मोहब्बत होगी? ऐसे ऐसे मतलब यानी कि छोटे छोटे खाली खाली मतलब पंगे डाल देते हो, और वो हाथ मतलब खामा का लड़ाई अपने सर पे ले लेते हो, हर वक्त बोर्ड चढ़ा के रखा गया, आ बेल मुझे मार और मार और मार। फिर बोलते वो मारता है मुझे, तो मारेगा नहीं तो चाटेगा तुमको यार, प्यार करेगा बेल। तो इसलिए खुद अपनी मत अपना दिल बड़ा करे, अपना हौसला बड़ा करे, कोई दावत दे ना दे कोई बात, दिल बड़ा रखे। वो फिर वो उन हदीसों पर कौन अमल करेगा जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस तरह की हदीसें हैं जिनमें ये मजामीन है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हिसाब भी आसान लेगा और जन्नत में दाखिल करेगा किसको? तो वो जिसमें ये तीन बातें हों। नंबर एक कि जो तुझसे काटे तोड़े तू उससे जोड़े, तो जो तुझे महरूम करे तू उसको अता करे, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसको मुआफ करे। ये तीनों मदनी फूल अगर ये सास ससुर बहू दामाद ये आज तावीज़ बनाकर लिखकर अपने गले में डाल लें या फ्रेम बनाकर अपने घर के सामने ऐसी जगह पर लगा दें कि इनको नजर आती रहे, इंशाल्लाह घर अपने का गेवारा बन जाएगा। जन्नत चाहिए ना, ये जन्नत पाने के तीन मदनी फूल, जो तुझे तुझसे काटे न, जो जिसने दावत नहीं दी गोया तो उसने तुझसे काटा गोया, तू उससे जोड़े, जो तुझे महरूम करे, तुझे दावत नहीं दी कोई बात नहीं, जो तुझे महरूम करे तू उसको अता करे, इसने दावत नहीं दी थी कोई बात नहीं, तू दावत दे दे, उसने तुझे सलाम नहीं किया तू सलाम कर दे, उसने तेरी तबीयत नहीं पूछी अच्छा तो तू पूछ ले यार क्या हुआ इसमें, सब तुझे ही पूछे, ऐसा काय को बनता है कि सब माँ बदौलत को सलाम करे, माँ बदौलत को सब मिजाज पुरसी करे, माँ बदौलत को मान दे, तो तू भी तो यार कुछ दे ना, तो तू मान दे दे। अगर एक तरफ से ज्यादती है भी तो दूसरे फरीक को चाहिए कि उस बुराई को कि जो सामने वाला फरीक कर भी रहा है तो अच्छाई से टाले, भलाई से टाले। अगर बुराई को बुराई से टालने जाएंगे तो वही फिर घर टूटेगा, हंगामे खड़े होंगे। कि नजासत को नजासत से पाक नहीं किया जा सकता, बल्कि नजासत को ज़रा पानी से ही पाक किया जाएगा। तो इसलिए वो सिले रहमी करें, चाहे कितना ये अगला टेढ़ा हो फरीक, अगला रिश्तेदार या बीवी टेढ़ी है या शोहर टेढ़ा है, तो बीवी को चाहिए कि वो उसके साथ उसने सलूक बरकरार रखे अपना। इसी तरह अगर सास टेढ़ी है तो बहू को चाहिए कि फिर सब्र करे, हिम्मत रखे। अगर बहू टेढ़ी है तो सास को चाहिए कि वो हिम्मत रखे और सब्र करे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सब मदीना मदीना हो जाएगा, लड़ाई हल नहीं है ना मसले का। अगर ये सब मिलकर हमारे साथ पापा वो जो हमारी जंग है इसमें शरीक हो जाए तो सुभान अल्लाह,
चले भाई मैं मिलकर दे, अब आप हमारे साथ इस इंशाल्लाह काफिले में शरीक हो जाओ, मदीना मदीना हो जाएगा, ये मसाइल खत्म हो जाएंगे, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुस्लिम भाइयों का आवाज जोरदार आना चाहिए, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नकीबत करेंगे नकीबत सुनेंगे इंशाल्लाह, नकीबत करेंगे नकीबत सुनेंगे इंशाल्लाह, नकीबत करेंगे नकीबत सुनेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह, अज़्ज़ व जल्ला कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह, कुफले मदीना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अपने घर को अमन का गेवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।